हेलो दोस्तों, मैं अनीस, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक बार से फिर से अपने YouTube चैनल इंप्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों मैंने इस महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज इस प्रकार से मैं अपने YouTube चैनल पर चलाया हुआ हूं और उससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम आज को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, तो इसलिए सीरीज जो है चल रही है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, तो आज हम देखते हैं इससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की क्या है शक्तियां, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक की कार्यकारिणी की शक्तियां, परीक्षक की कार्य करने की शक्तियां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य करने की शक्तियां 149 में बताया गया है। अब इससे आगे के अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो केंद्र और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, केंद्र और राज्यों के बीच में जो लेखाएं होती हैं, लोक लेखाओं या वित्तीय लेखन के बारे में बताया गया है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के केंद्र और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप, ये बताया गया किसमें, 150 में। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के बारे में बताया गया है 150 में। अब इससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में देखते हैं, तो 149 क्या कह, अब देखते हैं अनुच्छेद 153, 153 में क्या है, तो राज्यों के राज्यपाल किसमें हैं, अनुच्छेद 153 में। तो हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और एक राज्यपाल जो है दो भी राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, तो ये राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 में बताया गया है। अब देखते हैं 154 हमने बताया था आपको कि 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, 154 में बताया गया है। अब देखते हैं 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति बताया गया है 155 में, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जैसे कि हमने आपको 53 में बताया था कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है और 53 में है, उसी प्रकार से 154 में 53 में राज्यों के राज्यपाल हो गए, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखते हैं 156 में, अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की पदावधि बताया गया है 156 में, 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया। कितना होता है राज्यपाल की पदावधि? तो 5 वर्ष के लिए, लेकिन ये होता है राष्ट्रपति के अनुरूप या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 156 हो गया। 159, 159 में बताया गया है कि राज्यपाल को शपथ, तो राज्यपाल का शपथ, तो राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ का प्रतिज्ञान, शपथ का प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। किसमें? 159 में बताया गया है। अब आते हैं 161। अनुच्छेद 72 में हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां प्रलिंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियां थी, उसी प्रकार से राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान शक्तियां, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां किसमें हैं? अनुच्छेद 161 में है। अब आते हैं 163 में, 163 में अनुच्छेद 74 में हमने बताया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसी प्रकार से अनुच्छेद 163 में कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए किसके मंत्रिपरिषद गठन होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, किसका? मंत्रिपरिषद का गठन। और इसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, मुख्य मंत्री। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद गठन होगा, प्रधान कौन होगा इसका? मुख्यमंत्री होंगे। ये 163 में है अनुच्छेद। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। 165 अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। राज्य महाधिवक्ता, तो राज्य का महाधिवक्ता होगा अनुच्छेद 165 में। 76 में आपने पढ़ा होगा महान्यायवादी के बारे में बताए थे, उसी हिसाब से 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता। अब इसे आगे देखते हैं, 165 हो गया, 165। अब देखते हैं 168 में, 168 में क्या बताया गया है। 168 में बताया गया है विधानमंडल, क्या बताया गया है? विधानमंडल, प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा, विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल की संरचना किसने बताया गया है? 168 में। अब 169 में क्या बताया गया है? 169 बताया गया है विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है भारत के? तो 6 राज्यों में है विधान परिषद, तो विधान परिषद किसमें है? 169 में बताया गया है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद और एक केंद्र शासित प्रदेश में, 169 में हो गया। अब 170,
170 में क्या है, 170 में बताया गया विधानसभा के बारे में, हर राज्य में एक विधानसभा होगी, तो विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना ये बताया गया है 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में, 169 विधान परिषद, 168 में विधानमंडल की संरचना हो गई। अब देख लेते हैं 170 हो गया, 202 में अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, 212 में हमने बताया था वार्षिक, 202 में क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, तो राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे बजट कहते हैं वही है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम क्या कहते हैं बजट कहते हैं, राज्य का बजट, किसका राज्य का, तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं 202 में हो गया। अब आते हैं 213, जिस प्रकार से हमने 123 में बताया था कि राष्ट्रपति को संसद के स्थगन के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किसमें है 213 में, तो 213 में क्या है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल, राज्यपाल की अध्यादेश, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है 213 में है। अब आते हैं 226, जिस प्रकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, किसके, भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया उसे अनुच्छेद 32 में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत, उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, क्या लिखेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किसमें बताया गया है 226 में बताया गया है। तो ये हो गया दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 226 तक हमने बता दिए, एक या दो वीडियो में जो है अब पूरा संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों, इसके बाद मैं संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में आपको बताऊंगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, यदि चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों वीडियो को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।